नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, रीजनल ट्रेनिंग एट बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रीमियम ट्रेनिंग सेशन में, जिसका टॉपिक है बैनर डिजाइन फॉर फेसबुक मार्केटिंग, जिसे लीड करेंगे हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट मिस्टर अभिजीत चव्हाण। दोस्तों, ये आपके लिए एक रियल लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन होगा, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बीच बीच में पॉज कर इसमें बताए जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को इंप्लीमेंट करते चलिए, और हां, बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। तो चलिए, लेट्स क्विकली बिगिन विद आवर सेशन। ऑलराइट, अ वेरी वेरी एनर्जेटिक वेलकम टू ऑल द बिजनेस कंसल्टेंट्स, ऑल माय चैंपियंस ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं देख पा रहा हूं वी हैव मोर देन 175 enthusiastic participants who already joined us. तो दोस्तों, आज का session start करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे region के कुछ champion consultants ने मिलकर एक बहुत ही शानदार initiative लिया है, और वो initiative ये है कि अब से regularly हमारे champion consultants आपके लिए special training sessions करेंगे। जी हाँ, आपको देंगे वो सारे special skills जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक successful business consultant। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये कहना चाहूंगा कि इस सेशन के अंत तक जो बना रहेगा, आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेके आ गए हैं हम और हमारे सारे चैंपियन कंसल्टेंट्स। आपके ग्रोथ में भागीदार कैसे हम बनेंगे, कैसे आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर देंगे, कैसे आपको लीड जनरेशन में मदद करेंगे, और कैसे आपको एक जबरदस्त यूट्यूबर बनाएंगे, इसके पूरे प्लान के साथ में आए हैं। कैसे आप भी हमारे साथ में जुड़कर ऐसे शानदार सेशंस लेकर अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको इस सेशन के अंत में। तो आपको जुड़े रहना है इस पूरे सेशन में हमारे साथ, ताकि लास्ट में आपको हम दे पाए एक बढ़िया सी गुड न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे अपने चैंपियन बिजनेस कंसल्टेंट मिस्टर अभिजीत चव्हाण का, जो आपको सिखाएंगे हाउ टू डिजाइन अ बैनर फॉर फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, इस सेशन को हम 2 हिस्सों में करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक बढ़िया सा बैनर बड़े आसानी से बिना किसी खर्च के आप अपने मोबाइल पे, जिस तरह से अभी आपके सामने दिख रहा है, ऐसा ही बिल्कुल एक बैनर आप अपने मोबाइल पे कैसे बना पाएंगे, और उस बैनर को फिर आगे चलकर कैसे फेसबुक मार्केटिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट मिस्टर अभिजीत चव्हाण। So the platform is all yours. I would like to invite you on stage and please lead this session. Thank you so much. Thank you, Vishal Sharma sir, for giving me this opportunity. So very good morning, all my dear IBCs. My name is Abhijit, Senior Business Consultant from Thane, Maharashtra region. And thanks to all of you for coming in this session. So aaj hum yahan pe dekhne wale ki aap kaise ek effective banner bana sakte hain apne brand ko bada banane ke liye, apne फ्लायर को बनाने के लिए, और जिसके लिए आपको ज़्यादा कोई नॉलेज मतलब स्पेशल स्किल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने फ़ोन पे ही आप बड़ी आसानी से कम समय में इसको बना सकते हैं। तो हम हमारे स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप, आई होप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम देखने वाले कि कैसे हम एक बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, इफेक्टिव बैनर, और वो भी बहुत ही कम समय में, आपको जिसके लिए ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको मेरा बैनर दिख रहा है, वो मैंने अपने ही फ़ोन में बनाया है। इसके लिए आपको एक ऐप की जरूरत लगेगी। तो आई होप आप अपने पेन और पेपर लेके रेडी रहेंगे, ताकि आप पूरे नोट्स बना लें इसके बारे में। तो हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट डू वी नीड, हमें क्या लगने वाला है इस बैनर को या फिर हमारे बैनर्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, लोगो मेकर प्लस ऐप। इस ऐप का जो भी ये दिख रहा है, इसका नाम आप जरूर लिख के लें। ये ऐप बहुत ही कन्वीनियंट है, एक बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है, जो कि एक हम कैनवा यूज़ करते हैं, उसके एक अकॉर्डिंग हमने एक नया ऐप इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे लिए, जिसके साथ हम फ्लायर्स, लोगो, यूट्यूब बैनर्स, प्रेजेंटेशंस, बिजनेस कार्ड्स, या यहाँ तक कि हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप के DP कुछ भी बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। उसके साथ ही आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, ब्रांड लोगोस एंड सिम्बल्स। तो ऐसे बैनर्स बनाने के लिए हमें कुछ ब्रांड लोगोस और सिम्बल्स लगने वाले हैं, जो कि PNG फॉर्मेट में रहेंगे। ज़्यादातर हमारे जो फोटोज रहते हैं वो JPG फॉर्मेट में रहते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सिम्बल्स और लोगोस आप PNG फॉर्मेट में लें, जिसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बड़ा बिजनेस का लोगो लेना बहुत ज़रूरी है, हमारे बैनर में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ताकि हमारी ब्रांड वैल्यू लोगों को समझ में आए।
उसके बाद आप किस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको यूट्यूब या फिर जूम इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। या तो आप यूट्यूब ले सकते हैं या फिर जूम अपने बैनर में ऐड करने के लिए। उसके बाद जो कि सिम्बॉल्स है कैलेंडर और क्लॉक के, तो कैलेंडर और क्लॉक के सिम्बॉल जैसे मैंने आपको ऐप के बारे में बताया, लोगो मेकर प्लस ऐप में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको ज़्यादा ढूंढने की उसको ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए आप पहले से इनको डाउनलोड करके ले पीएनजी फॉर्मेट में। तो उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे लगने वाला है योर कॉरपोरेट लुक पिक्चर। तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेजर में कॉरपोरेट लुक पिक्चर आपको लेना होगा अपने बैनर में दिखाने के लिए, ताकि आपकी इमेज एज अ ब्रांड बिल्ड हो, आप ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसको इंट्रोड्यूस कर सकते। तो यहाँ पे अभी मैं आपको लाइव डेमो देके दिखाऊंगा कि लोगो मेकर प्लस ऐप में आप वैसा ही सिंबल जैसे आपने इस बैनर में देखा वैसा ही सिंबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उस ऐप की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, तो हम आपको आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे मोबाइल में मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है। तो यहाँ पे आपको लोगो पिट प्लस, अभी मैंने आपको दिखाया लोगो मेकर प्लस, आप जब भी प्ले स्टोर पर जाएंगे आपको लोगो मेकर प्लस ये नाम दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लोगो पिट प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, बहुत ही अच्छा ऐप है, इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है प्ले स्टोर पर और 4.6 की रेटिंग है, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। तो हम इस ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वुड यू लाइक टू लोड द लास्ट डिजाइन यू मेड। आप जब भी इस ऐप को नया डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके रन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू फाइल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम क्रिएट न्यू पे चलते हैं। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले आपको लोगो, फेसबुक कवर, ट्विटर कवर, जो कि आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, यूट्यूब कवर, यूट्यूब थंबनेल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पोस्टर, फ्लायर, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन, लेटर, इन्फोग्राफिक, बिजनेस कार्ड, कुछ भी इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी एक ज़रूरत पड़ने वाली है फ्लायर की, तो हम फ्लायर पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ब्लैंक पेज दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो टेम्पलेट्स की मदद से हम उसका यूज़ करके हमारा जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं फ्लायर, उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं, जिसको आप एडिट करके आप उसमें से कुछ चीज़ें हटा के अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पूरा ब्लैंक हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हमारा ब्लैंक पेज आ गया है। सबसे पहले बैनर बनाने के लिए बैकग्राउंड हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम ऐड पिक्चर पे जाएंगे और अच्छी सी बैकग्राउंड पिक्चर लेंगे, जिसके लिए हमें पहले ही वो बैकग्राउंड पिक्चर डाउनलोड करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक बैकग्राउंड पिक्चर डाउनलोड करके रखी है, जो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम अभी बड़ा करेंगे। परफेक्ट, तो यहाँ पे अभी ये बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत ही लाउड इमेज दिख रही है, तो इसको हम थोड़ा इसकी आपको टिक मार्क का एरो नीचे दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको राउंड ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ओपेसिटी सिलेक्ट करके हम इसको कम कर सकते हैं। इसको कम करने की वजह से ये थोड़ा हमें जो भी प्रेजेंट करने वाले वो थोड़ा इफेक्टिव हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए ओके, इसका तो काम हो गया। तो उसके ही बाजू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा फिल करके, तो फिल में आप जो भी इमेज के बैकग्राउंड का जो कलर है उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलर ब्लैक सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से हमारा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको चाहे तो इस इमेज को आप ओपेसिटी और कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो इतनी मेरे ख्याल से बहुत है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो इसके बाद हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत लगने वाली है यहाँ पे, जो कि हमारे बैकग्राउंड को और क्रिएटिव बना सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड अ लोगो। ऐड अ लोगो में जाने के बाद बहुत सारे लोगोज यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ पे फ्री के लोगोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ्री के लोगोज में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें शेप्स की ज़रूरत है, तो ताकि हमारा बैकग्राउंड और अट्रैक्टिव लगे, तो यहाँ पे हमें शेप्स में जाना होगा। ये सभी फ्री के सिंबल्स है, आप फ्री के सिंबल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्सक्लूसिव या फिर प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम शेप्स में जाने के बाद हमें एक रेक्टेंगुलर शेप की ज़रूरत है, हम इसमें रेक्टेंगुलर शेप, अभी हम स्क्वायर लेते हैं उसको रेक्टेंगुलर कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो यहाँ पे हम हमारे इस प्लेस पे हमारा एक अच्छा सा जो भी ये है हमारी इमेज है वो ऐड होने वाली है, तो इसको हम एज अ बैकग्राउंड चूज करेंगे। इसका हम सबसे पहले तो नीचे जाके इसका कलर सेट करेंगे जो कि वाइट रहने वाला है, जो कि हमारे बैकग्राउंड में जाने वाली है ये इमेज, ये जो सिम्बॉल है ये हमारे बैकग्राउंड में जाने वाली है इसकी वजह से इसका। उसके बाद हम नीचे ऑप्शन आए, फोर्थ ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए का सिंबल। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बॉर्डर दे सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको आप बॉर्डर दे के और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चलो येलो कलर सिलेक्ट कर लिया अपने ऑब्जेक्ट के लिए जिसका हम बॉर्डर सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ जिससे मैं येलो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी आप देखिए इसका बॉर्डर हमें येलो दिखाई दे रहा है, आप कितना भी इसको ये देखें, आप अभी मेरी तो सजेशन है आप इससे ज़्यादा ना रखें ताकि हमारा ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव लुक आए। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा और इफेक्ट डालेंगे। तो सेम यहाँ पे हम येलो का ही इफेक्ट लेके इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो ये थोड़ा और जूम हो गया, मतलब इफेक्टिव थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन चुका है। इसमें हम अभी हमारी इमेज जो भी हमारा कॉर्पोरेट लुक इमेज है जैसे मैंने आपको बताया वो इमेज लेना आपको बहुत ज़रूरी है, वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉप एंड ऐड पिक्चर में जाएंगे जो कि हमें क्रॉप करनी पड़ सकती है। यहाँ पे मैं मेरी एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्रॉप करके पिक्चर सिलेक्ट कर ली है, इसको हम इस ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्ट उस पिक्चर के साथ मैच हो जाए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी इमेज तो बनके रेडी है, और भी बहुत ऑब्जेक्ट्स की हमें थोड़े ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पे और ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये रेक्टेंगुलर का ऑब्जेक्ट लिया था स्क्वायर का, वैसे ही हम और भी ऑब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे सबसे नीचे आपको ऐड अ लोगो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फिर से हम उस पर जाएंगे और एक राउंड का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे सर्कल का। तो इससे हम और अट्रैक्टिव इसको बना सकते हैं, हमारे जो भी फ्लायर है हमारा उसको, हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट और हमने इमेज सेलेक्ट किए उसको थोड़ा हम इस साइड में लेंगे ताकि हमको जो भी रिप्रेजेंट करना हो, हमें जो भी टेक्स्ट ऐड करना हो जो वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिखे। तो इसका भी सेम हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर हम इसका चूज कर सकते हैं, इसको ओपेसिटी कम करके इसको एज अ बैकग्राउंड हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छी क्या बात है कि इसको आपको लेफ्ट साइड में इसका थ्री लाइंस दिखाई दे रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट के, तो उसको सिलेक्ट करके हम इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ताकि हमें बार बार उस लोगो के ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, नीचे आपको कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो कलर चेंज करके इसको हम एज अ रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमें एज अ प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए फिर से एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, आप जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसी को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर मैं और एक बार ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने जिस प्लेटफॉर्म पे हमें अपने फ्लायर अपना ऑब्जेक्टिव दिखाना है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम प्रेजेंट करने वाले उसके लिए हमने ये ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और इसको वाइट में रखेंगे। आप इसको कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया इसका बॉर्डर या फिर इसका जो भी इफेक्ट है वो आप लगा सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसा भी आपको, आप इसको ऐप को बहुत सर्व कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिल सकती है। उसके बाद हमने यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट लिया है जहाँ पे हमें एज अ आपने पोस्टर देखा होगा नीचे ब्रांच और थाने, ब्रांच थाने ऐसा दिया था मैंने, तो उसके लिए मुझे ये यहाँ पे लगने वाला है।
सेम ऑब्जेक्ट मैं डुप्लीकेट करूंगा और उसको उसके साइड में प्लेस कर दूंगा। ओके, तो इसका मैं कलर सिलेक्ट करूंगा, इसका एज इन हम येलो कलर रखेंगे और साइड के ऑब्जेक्ट का हम व्हाइट कलर में रखेंगे। ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें अभी ये सब बाकी का काम तो हो गया, अभी इसके बाद हमें टेक्स्ट की जरूरत होगी। तो हमें नीचे प्लस ए प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेकंड ऑप्शन, उसमें ऐड अ टेक्स्ट करेंगे। हमें यहाँ पे क्या मोटिव दिखाई दे, हम यहाँ पे क्या मोटिव दिखाने वाले, हमें लेना है वेबिनार। तो वेबिनार का ऑप्शन सिलेक्ट करके हम उसको यहाँ पे सेट करेंगे। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं और इसका हम कलर वाइट रखेंगे ताकि वो और भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे। उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद उसमें वेबिनार ऑन, हमें किस चीज के ऊपर वेबिनार लेना है, वेबिनार ऑन को हमें यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद फिर से ऐड टेक्स्ट करके या फिर इसी को डुप्लीकेट करके आप जो भी हमारा मोटिव है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारा बैनर डिजाइन, मैंने यहाँ पे बैनर डिजाइन डाला था, बैनर डिजाइन, ओके। तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अभी ये सेम कलर हो गया है तो इसका हम कलर सेट करेंगे येलो, या फिर आप जो भी कलर चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। इसको हम इफेक्ट देने के लिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। सेम हम ये करके जैसे ही बैकग्राउंड बैनर डिजाइन एंड फेसबुक मार्केटिंग, तो इसके लिए हम इसको वापस से डुप्लीकेट करेंगे और इसकी जगह पे एंड। ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सेम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, सेम ऑब्जेक्ट में अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे, मैं ऐसे ही कुछ टाइप करके आपको दिखाता हूँ, तो ये एक ही लाइन में दिखाई देगा। यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें उसी के नीचे वो दूसरा टेक्स्ट डालना है, इसीलिए हम सेम टेक्स्ट में ही उसको ये नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें इसको फिर से डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे फेसबुक मार्केटिंग। अभी यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि फेसबुक मार्केटिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो फेसबुक का जो ये है टेक्स्ट है उसको आप थोड़ा आगे लेके आप एज अ उसका मिडल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरह से हमारा फेसबुक मार्केटिंग टेक्स्ट आ गया है, बैनर ऑन वेबिनार ऑन बैनर डिजाइन एंड फेसबुक मार्केटिंग। तो इसके बाद हम चलते हैं, मैंने आपको बोला था कुछ सिम्बॉल्स हमें ऐड करने हैं, तो सिंबल्स हम यहाँ पे लेते हैं जिसका हमने पिक्चर ऑलरेडी ले लिया है पीएनजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम ऐड अ पिक्चर करते हैं, तो जितने भी सिंबल्स हमें लगने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको कैलेंडर का ऑप्शन लगेगा, कैलेंडर सिलेक्ट करके हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसको हमें हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम नीचे फिर से ऐड अ पिक्चर में जाके हम क्लॉक का जो भी सिंबल है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मोटिव साफ हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, वेबिनार ऑन बैनर डिज़ाइन। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे कि प्लेटफॉर्म मेरा, जो भी मैं क्या मेरा रोल रहने वाला है एज अ स्पीकर, मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन, और यहाँ पे ब्रांच के लिए जो भी हमने प्लेस सिलेक्ट किया है उसमें भी ब्रांच हमें ये करना है। तो यहाँ पे हमने दो सिंबल्स डाले हैं, कैलेंडर और क्लॉक के। उसके आगे हमें टेक्स्ट लिखना होगा कि किस डेट में हमारा जो भी वेबिनार है वो होने वाला। तो हम थर्सडे 20th मई, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसको भी हम बोल्ड करेंगे ताकि अच्छी तरह से लोगों को दिखाई दे। इसका हम कलर्स अलग करेंगे, वाइट रखेंगे, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है बैनर डिजाइन एंड फेसबुक मार्केटिंग वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे। इसी को हम डुप्लीकेट करके, ताकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है उसमें, वो टाइम कंज्यूम हो, यहाँ पे हम टाइमिंग डालेंगे 4 PM। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए,
आप एक बार इसमें अगर बनाने को ट्राई करने लगे, पहली बार तो थोड़ा आपको एफर्ट लगने वाला इसमें, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे तो आपने मेरा बैनर देखा होगा, उससे भी बहुत ही अच्छा क्रिएटिव बैनर आप बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरा बैनर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही, यहाँ पे बहुत सारे IBCs हमारे क्रिएटिव्स हैं, तो बहुत अच्छा आप क्रिएटिव यहाँ पे बना सकते हैं, मुझसे भी अच्छा क्रिएटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा नाम डालना जरूरी है, यहाँ पे एज अ स्पीकर मैं डालूंगा। स्पीकर ओके, इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे मेरे इमेज के ऊपर, इसको भी हम बोल्ड करेंगे। ओके, तो नीचे हमारा नाम आएगा, जो भी आपका नाम है जी। ओके, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा नाम भी लोगों को अच्छी तरह दिखाई दे, क्योंकि एट द एंड ये हमारी, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें लोग ज्यादा से ज्यादा पहचाने, तो इसको भी हम बोल्ड करेंगे। और इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कैसा आप करना चाहे या फिर नहीं करना चाहे, ये आपके ऊपर है, हम इसको हाईलाइट कितना भी कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा डेजिग्नेशन आएगा, डेजिग्नेशन में इसमें अपना दूंगा सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट। ओके, तो इसका हम कलर चेंज करेंगे ताकि नाम के साथ ये मैच ना हो, और इसका, इसको भी हम बोल्ड करेंगे। सेम ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं नीचे, बड़ा बिजनेस, एज अ बड़ा बिजनेस डालने के लिए, बड़ा बिजनेस। ऑल राइट, तो हम इस टेक्स्ट को हम थोड़ा छोटा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी दो चीजें बाकी है, एक प्लेटफॉर्म हमें डालना है और ब्रांच जो भी हमारी है वो डालनी। तो प्लेटफॉर्म के लिए भी हम कोई भी इसमें से ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके किसी को भी हम डुप्लीकेट करके एज ऑब्जेक्ट ये कर सकते हैं। तो इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, डबल क्लिक करके इसको हम एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी डुप्लीकेटेड टेक्स्ट है उसको, और हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म डालेंगे। ओके, ये प्लेटफॉर्म का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अभी इसको हम ब्लैक करेंगे ताकि ये हमारे ऑब्जेक्ट में अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, ऑल राइट, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें जूम पे, हमारा अभी ऑब्वियसली हमारी ये वेबिनार जूम पे हो रही है, तो इसीलिए हम प्लेटफॉर्म जूम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ऐड पिक्चर करके, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको जूम का एक ऑब्जेक्ट सिंबल लेना है, तो जूम का मैंने पहले ही ले रखा है। आप गूगल से कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं, जैसे मैंने बड़ा बिजनेस, क्लॉक, कैलेंडर या फिर जूम का ये लिया था, तो आप एज अ PNG फॉर्मेट इसको डाउनलोड करके आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये जो पीछे का वाइट ऑब्जेक्ट है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये हमारे के साथ मैच हो जाए। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें और एक टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें डालना है ब्रांच, ओके, इसको भी हम, इसको हम कलर के साथ इसका ये सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इसका हो। अभी येलो के साथ ब्लैक यहाँ पे बहुत अच्छा मैच करेगा। इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे थाने करेंगे। ओके, ऑल राइट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, लेकिन एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, वो है हमारा बड़ा बिजनेस का लोगो। तो बड़ा बिजनेस का लोगो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बड़ा बिजनेस का लोगो हमें लेना बहुत जरूरी है। तो बड़ा बिजनेस का लोगो में मैंने पहले ही ले रखा है, तो लोगो जो भी है वो हमें हर इमेज में, हमारे हर फ्लायर में हमें इसको पोस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे, कोई भी आप कॉर्नर ले सकते हैं उसको, हम बड़ा बिजनेस एज अ ब्रांड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए बड़ा बिजनेस का लोगो यहाँ पे जरूरी है। ऑल राइट, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी है, एक इफेक्टिव बैनर हमने कम से कम टाइम में बहुत ही अच्छा बना लिया है। तो ऐसा ही बैनर आप भी अपना बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था ऐड अ लोगो में, आप कोई भी लोगो इसमें से चूज कर सकते हैं अपने बैनर को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए।
कॉल में आपको बहुत सारे ये दिखाई देंगे, फ्री के नीचे ही आपको एज अ गिफ्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। गिफ्ट में बहुत सारे ऐसे लोगोस है जो कि बहुत ही अच्छे बेहतरीन दिखते हैं, सिंबल्स है, और उसको आप एज अ फ्री भी यूज कर सकते हैं। हमें एक्सक्लूसिव या फिर प्रीमियम में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको परचेस करके लेना होगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इसलिए हम गिफ्ट में जाके कोई भी जैसा भी आपको सिंबल चाहे अपने बिजनेस के लिए या फिर हम अपना बैनर क्रिएट करने के लिए, उसको हम चूज कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इस ऐप को सर्व करेंगे, आप डाउनलोड करके इसको पहले देखिए, इसको समझिए कैसे ये ऐप रन करता है, कैसे ये ऐप चलता है। उसके बाद आप जैसे जैसे उसको ये करेंगे वो और इफेक्टिव बनता जाएगा। आपके बैनर जो भी आपके क्रिएटिव्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आप क्रिएट न्यू में जाके अपना लोगो जो भी अपना डीपी है उसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब कवर और यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो थंबनेल में जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट्स में ही ये लोग बहुत आपकी मदद करते हैं, टेम्पलेट्स से आप उसका बैकग्राउंड और ये भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसके जगह पे आपका इमेज या फिर टेक्स्ट डाल के आप एज अ उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ऐप बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, बहुत ही बेनिफिशियल था। इस ऐप को चूज करके मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटिव्स बनाए थे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, सबसे पहले ये जो हमने क्रिएटिव बनाया है उसको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव करके। तो सबसे पहले आप हमें यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। हम डाउनलोड JPG और PNG फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ड्राफ्ट में हमें सेव करना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि इस सेम फॉर्मेट को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभिजीत इसका नाम लूंगा और ये एज अ ड्राफ्ट सेव हो चुका है। तो हम जब भी कभी भी आपको राइट साइड में 3 लाइन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ड्राफ्ट करके, जब भी हम सबसे पहले ही हमें हमारा ड्राफ्ट सेव हो चुका है, जैसे ही हम उसको लोड करेंगे, हम हमारे जो भी हमने क्रिएटिव बनाया उसको एडिट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडिट करके उसको अगर हमारे दूसरी मीटिंग है या फिर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, कोई दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको हम टाइमिंग, उसका कैलेंडर डेट, हमारा जो भी वेबिनार जिस चीज़ पे होने वाला है उसका, ये हम चेंज करके, उसका प्लेटफॉर्म चेंज करके हम एज अ उसको अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है सर। और यहाँ पे हम थोड़ा इसको बैकग्राउंड को सेट करेंगे। ओके, जैसा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए आप डाल सकते हैं, गूगल पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड इमेजेस मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने बैकग्राउंड भी डिजाइन किया था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा बड़ा बिजनेस का जो बैनर हम बनाते हैं, वैसा ही सेम बैनर हम भी इसमें भी बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप और भी क्रिएटिव्स देख सकते हैं। अभी इस ऐप के चलते मैंने मेरा जो फेसबुक का DP है वो भी, जो भी व्हाट्सएप का DP है मेरा विवेक बिंद्रा सर के साथ, उसको भी बनाया था। ये देखिए आप कितना ये बेहतरीन लग रहा है, ये व्हाट्सएप का मेरा DP है, यहाँ पे मैंने अपना इमेज क्रॉप करके डाला है, PNG फॉर्मेट में सेव करके डाला है। विवेक बिंद्रा सर का PNG फॉर्मेट में जो भी इमेज है वो मुझे गूगल से मिला, बड़ा बिजनेस का लोगो भी मुझे गूगल से मिला, और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर और अपना डेजिग्नेशन विवेक बिंद्रा सर का नाम और मेरा नाम ऐसा डाल के बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हमारा DP बन गया है। तो ऐसे ही आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है और आपको आगे चल के बहुत ही अच्छा फायदा देगा। यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने बहुत सारे PPTs भी इसमें बनाए हैं, तो ये ऑल इन वन ऐप है गाइस। ओके, तो हम चलते हैं हमारी PPT की तरफ। सबसे पहले हम आज का टास्क देखते हैं, आपको आज क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जो भी मैंने लोगो मेकर प्लस ऐप बताया है उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको एक इफेक्टिव फ्लायर बनाना है, अपने अट्रैक्टिव लुक में आप अपनी इमेज खींच के आप उसमें डाल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की मदद से, बैकग्राउंड इमेज की मदद से आप उसको यूजफुल इमेज बना सकते हैं, ताकि आप उसको कहीं भी पोस्ट कर सके एज अ DP या फिर एज अ पोस्ट या फिर एज अ फ्लायर आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक ऐप का नाम दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड चेंजर करके, इस ऐप का नाम भी आप एक अपने नोट्स में लिख के ले सकते हैं। ये ऐप में आप बहुत ही अच्छी तरह से और एक सेकेंड में आप बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने देखा है कैनवा पे भी हमें ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो प्रीमियम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आप ये बैकग्राउंड चेंजर इस्तेमाल करके
आप उसका PNG फॉर्मेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी फोटो सिलेक्ट करेंगे, फोटो सिलेक्ट करके हम कोई भी फोटो इसमें से ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो मेरी एक फोटो यहाँ पे मैं लेता हूँ। ओके, तो मेरी ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसका बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे जो थर्ड ऑप्शन है PNG, उसको आप सिलेक्ट करके एक ही झटके में आपका बैकग्राउंड पूरा गायब हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, मुझे बहुत यूजफुल साबित हुआ है अभी तक के लिए। तो इसको हम एज अ PNG सेव कर सकते हैं। तो दैट्स इट, हमारा ये जो भी इमेज था वो सेव हो चुका है। इसकी मदद से आप जो भी बैनर है, ऐसे ही इसी ऐप की मदद से मैंने वो अपना DP बनाया था। तो इस पर चलते आप ये दोनों भी ऐप डाउनलोड करके आप उनको देख सकते हैं कैसे ये ऐप रन होते हैं। अभी ये सेशन यहाँ यहीं पे एंड नहीं होता, नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं कि इसी बैनर का इस्तेमाल करके कैसे एक इफेक्टिव कैंपेन बना सकते हैं जो कि लीड जनरेशन एड फेसबुक पे हम चला सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हाउ टू यूज रीच कैंपेन फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग थ्रू फेसबुक एड्स। लास्ट जो मैंने कैंपेन रन किया था उसमें मैंने लीड जनरेशन के लिए तो 12-15 रुपीज की एक लीड गिरी थी, लेकिन रीच कैंपेन जो था हमारा उसके लिए मुझे हार्डली 5-6 रुपीज में एक लीड गिरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहने वाला है रीच कैंपेन हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए थ्रू फेसबुक एड। सारे पार्टिसिपेंट्स को जान के बड़ी खुशी होगी कि जो बैनर हमने डिजाइन किया वाज जस्ट कीपिंग अ टैप ऑफ द टाइम, इट वाज इन फ्लैट 20 मिनट्स, है ना, 20 मिनट के अंदर ये जबरदस्त बैनर जो है यहाँ पे आपको सिखाया अभिजीत सर ने कैसे डिजाइन करना है। शुरुआती तौर पे हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस पे अपना बैनर डिजाइन करते जाएंगे वैसे वैसे समय कम होता जाएगा और आपका हाथ जो है इसमें पूरी तरह से जबरदस्त तरह से बैठ जाएगा। ओके, सो अब मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ गुड न्यूज देने वाला हूँ। तो दोस्तों गुड न्यूज ये है, 3 गुड न्यूज आपको देने वाला हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स भी जरूर लेंगे, बट गुड न्यूज को पहले समझते हैं। गुड न्यूज ये है, सबसे पहली गुड न्यूज कि ये पूरा सेशन हम आपको अवेलेबल करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये पूरा सेशन अगर आपको दोबारा देखना है तो इसे हम अवेलेबल करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है कोच विशाल शर्मा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत इस सेशन के बाद यूट्यूब पे जाना है, कोच विशाल शर्मा टाइप करना है और उस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि सारे वीडियोस आप दोबारा देख सके। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जब कभी हम ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालें आपको पता चल जाए। ये पहली गुड न्यूज। दूसरी गुड न्यूज, अब ये सेशंस हमारे चैंपियन IBCs आप लोगों के लिए रेगुलरली लेंगे, ठीक है, जिससे वो अपनी स्पेशल स्किल्स आपसे शेयर करें और आपकी मदद करें एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट बनने में, ठीक है। तो ये सेशंस महाराष्ट्र रीजन में रेगुलरली रहेंगे और जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूं कि लर्निंग जो है ना ये कंप्लीटली बाउंड्री लेस होनी चाहिए। तो इस सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने बाकी जितने भी रीजन्स हैं सारे कंसल्टेंट्स को। अब मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हैं राजस्थान से, काफी सारे लोग जुड़े हैं गुजरात से, MP से, दिल्ली से, हरियाणा से, बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। तो आप सब का हार्दिक स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग ये सेशंस अटेंड करें, अपने सारे IBC साथी जो IBCs हैं आपके रीजन के इनको भी आप लेके आए ताकि हम सब मिलके ग्रो कर पाएं, ठीक है। तो ये सेशंस रेगुलरली आपके लिए होते रहेंगे। अब तीसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज, जिस तरह से हम इन चैंपियन कंसल्टेंट्स को मौका दे रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का, अपनी स्किल्स को शेयर करने का, तो ये बस इन लोगों तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। ये आपको भी हम मौका देंगे। आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे देता हूं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, इट इज 90289-14041। ओके, आई विल रिपीट इट वंस अगेन, इट्स 90289-14041। अगर आप भी ऐसा कोई सेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं इस तरह से ताकि हम आपका भी सेशन जो है अपने YouTube चैनल पर रन करें ताकि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, आपका एक्सपोजर बढ़ जाए, ठीक है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप मेरे पर्सनल WhatsApp नंबर पे मुझे WhatsApp कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे ये सेशन लेना चाहते हैं, एंड वी विल अरेंज सच अ ब्यूटीफुल सेशन अगेन फॉर यू, वे यू विल लीड द सेशन, यू विल बी द होस्ट, ठीक है। तो ये भी हम करने के लिए तैयार हैं। सो ये थी हमारे तरफ से 3 गुड न्यूज आप लोगों के लिए।
तो यहाँ पे एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा अभिजीत सर का. सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज अ वंडरफुल एंड अ फैंटास्टिक सेशन. आई एम सुपर एक्साइटेड टू कंडक्ट मोर सच सेशंस फॉर यू पीपल, गिव मोर पीपल चांस टू कम ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म एंड यू नो टेक गुड एक्सपोजर, बिकम पॉपुलर एंड फेमस. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन ऑन बैनर डिजाइन फॉर फेसबुक मार्केटिंग, जिसे लीड किया हमारे सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट मिस्टर अभिजीत चव्हाण ने. बेहतर समझ के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा. दोस्तों अगर आप हमारे चैंपियन बिजनेस कंसल्टेंट्स से डिटेल गाइडेंस चाहते हैं, इनसे सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर हमारे चैंपियन बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ अपनी फ्री बिजनेस कंसल्टेशन जल्द से जल्द शेड्यूल करें. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने सारे साथी कंसल्टेंट्स तक पहुंचाने के लिए और हमारे हर वीडियो को देख अपनी लर्निंग और अर्निंग को बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.